मम्मी ये इन बिस्किट्स में से सौंफ की स्मेल क्यों आ रही है? अरे हाँ बेटा, इस डब्बे में पहले सौंफ रखी हुई थी, लेकिन मैंने ये डब्बा तो अच्छे से धोया था, दो बार धोया था बेटा गर्म पानी से, तब जाके मैंने बिस्किट रखे थे, स्मेल कैसे आ सकती है? दिखा। नहीं बढ़िया लग रहा है, कहीं स्मेल नहीं आ रही। अरे शैम्पू की बोतल तो मैंने फेंक दी थी, खाली हो गई थी क्योंकि। अरे ये तो भरी हुई है। मम्मी सुनो, ये शैम्पू की बोतल नहीं आप लेकर आए हो क्या? अरे बेटा मैंने इसमें तेल भर दिया, कितनी प्यारी बोतल थी शैम्पू की, तूने बेकार में फेंक दी थी, मैंने उठा के ना इसमें तेल भर दिया। मम्मी घर से लेने की क्या जरूरत थी, कोकोनट तेल अपनी जगह पे ठीक था ना? अरे मेरे को ना नारियल के तेल की बोतल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मैंने पता क्या किया, उसे धो के ना उसमें मसाले भर दिए किचन के। बैंगन, गाजर, भिंडी, ये कौन सा मिक्स वेज है मम्मी? अरे बेटा वो कल के बैंगन बचे हुए थे और सुबह की भिंडी बची थी, और फ्रिज में भी बस गाजर ही बची हुई थी, तो मैंने ना ऊपर से गार्निश कर दी, थोड़ी थोड़ी करके एक सब्जी बन गई मिक्स वेज। अच्छी नहीं लगी तेरे को? ऐसे ही तो होता है मिक्स वेज। क्या मम्मी कुछ भी, क्या मम्मी इतनी सुंदर सुंदर नैपकिन लाके रख रखी है आपके लिए, और आप उनकी पापा की बनियान यूज कर रहे हो? अरे ठीक तो है ये बनियान, वो नैपकिन इतने प्यारे प्यारे, इतने सुंदर नैपकिन है, मैं नहीं यूज करती किचन में, मैं नहीं यूज करूंगी किचन में बिल्कुल भी, अभी मैं कुछ दिन तक संभाल के रखूंगी उसे सजा के। अरे तो मम्मी वो नैपकिन होते ही इसलिए कि आप किचन साफ कर सको, जब मेरा मन करेगा तब मैं देखती हूँ, अभी नहीं यूज कर रही मैं उन नैपकिनों को। इन बनियानों में छेद हो रहे हैं, कौन से तेरे पापा रिसेप्शन पे पहन के जाएंगे तेरे? ठीक है ये इससे साफ करूंगी मैं किचन। चल मम्मी तेरे लिए दाल बना देती हूँ, देख कितनी कमजोर हो रही है, कोई मिली नहीं है क्या वहाँ पे अभी तक खाना बनाने वाली तुझे? नहीं मम्मी खाना बनाने वाली तो है, लेकिन वो है ना अच्छा नहीं बनाती है, ऐसा लगता है दाल चावल नहीं पानी के साथ ना चावल घोल के दे रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे मरीजों वाला खाना लगता है। आप बनाते हो ना मम्मी वो दाल में तड़का मार के और इतना टेस्टी घी डाल के बनाते हैं जीरे वाले चावल, इतने अच्छे लगते हैं ना, मजा आ जाता है। तेरी ये सब बातें सुन के ना मेरा दिल सा बैठ जाता है, वहां से काम करने की क्या जरूरत है, यहीं पे शिफ्ट हो जाना, यहीं पे ट्रांसफर ले ले तू अपना, अच्छे से खाएगी पिएगी घर का खाना। थैंक यू मम्मा। गुड़िया सुन, कपड़े हैं धोने के लिए? मैं मशीन लगा रही हूँ। हाँ मम्मी मैं तो पूरा बैग लेकर आई हूँ कपड़ों का, पर सूख जाएंगे एक दिन में। सूख जाएंगे नहीं, एक घंटे में सूख जाएंगे, जल्दी दे कपड़े मुझे, मैं जा रही हूँ मशीन लगाने के लिए। अच्छा ठीक है मैं देती हूँ मम्मी। अरे तो पापा को लिस्ट दे देना बना के, वो मार्केट से आते तेरा सारा सामान ले आएंगे। अरे मम्मी सब मिलता है वहां पे, ऐसे ले जाने की जरूरत नहीं है, आप परेशान मत हो। बेटा जो मसाले जो चीजें यहाँ पे मिलती है अच्छी क्वालिटी में, वो वहां पे नहीं मिल पाएंगी, और महंगी मिलेंगी सो अलग। हाँ तो फिर अब टाइम भी तो नहीं है ना। अच्छा तू एक काम कर, तू यहाँ से सामान ले जा, मैं अपने किचन के लिए अलग से मंगा लूंगी बाद में, ठीक है? ठीक है ओके पापा, ओके मम्मी बाय। ईयरफोन्स ले लिए, चार्जर ले लिया। अरे मम्मी रो क्यों रही हो, रोने की क्या बात है? रो नहीं रही हूँ, वो बस तू दो दिन के लिए आती है, मुझे पता ही नहीं चलता कब दो दिन निकल गए, बस तू अपना ध्यान रखियो और टाइम से वीडियो कॉल करती रही हो, ठीक है? और अच्छे से खाइयो पियो। अच्छा चलो ठीक है बाय, ध्यान रखना अपना, मैं कर लूंगी वीडियो कॉल टाइम से, ठीक है बाय। ठीक है ध्यान से जाइयो, बाय। सीधे बैठो बेटा, ऐसे कौन करता है होमवर्क? नहीं मम्मा मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है कर लो जैसे करना है। अरे धीरे वो फट जाएगा। ये कैसे फट गया? मम्मी ये खा लूं? नहीं नहीं अभी नहीं खाना, पहले खाना खाना है उसके बाद खाना है। मम्मी ओपन करके रख देते हो। बाबा खराब हो जाएगा, समझो मेरी बात, अभी मत खाओ।
नहीं मम्मी वो बंद करके रख दो। मैंने बोला ना मत खाओ अभी। नहीं मम्मी। ये कैसे हो गया? सो हाय गाइस, दिस इज माय फर्स्ट लाइव ऑन इंस्टाग्राम और मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे सुन ना गुड़िया, मुझे भी ऐड करना। आप क्या करोगे? मैं भी बात करूंगी तेरे दोस्तों से। अच्छा एक सेकेंड रुको। हाँ सो गाइस, मेरी मम्मी बोल रही हैं ऐड करने के लिए, तो उनको भी ज्वाइन करते हैं, मजा आएगा। ठीक है मैं आपको ऐड कर रही हूँ मम्मा। हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब? मैं गुड़िया की मम्मी। अरे गुड़िया के बारे में ये क्या बताएगी आपको, मैं बताती हूँ ना आपको, मैं उसकी माँ हूँ ना, मैं अच्छे से जानती हूँ। वेलकम टू गुड़िया का कबाड़ खाना। रुको मैं बताती हूँ। देखिए ये कितनी बार मैंने इसे बोला गंदे कपड़े बेड पे ना रखा मम्मा, और ये देखिए नहीं गीला टॉवल भी बेड पे छोड़ दे। कितनी बार बोला मैंने आपको। और एक और चीज दिखाती हूँ आपको, रुको रुको मम्मा। अरे मम्मी सुनो मेरी ये बात, खाली बोतल यहीं पे छोड़ी हुई है और मैंने इसको बोला था बर्तन धोने के लिए। अरे आप बताओ घर की लड़की का क्या काम होता है, बर्तन धोने का होता है ना। ये देखो अब तक इसने बर्तन नहीं धोए, मैं तो इससे दुखी हो गई। लड़की ना मेरी एग्जिट। बाय गाइस।